भारत का दृश्य नहीं है, भारत उससे एकदम बिल्कुल विपरीत है, जहां पर देश के सामने आज 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको तत्काल रोजगार चाहिए। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला राष्ट्र है, लेकिन आज भारत देश के 2 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनको तत्काल नौकरी चाहिए, जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी तालीम और डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। आज भारत देश की जीडीपी माइनस में जा रखी है, विश्व के सारे देशों की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमरीका हो, भले ही उनकी जीडीपी ग्रोथ कर न कर रही हो लेकिन स्थिर बनी हुई है। लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें 40 वर्षों के सबसे निचले पायदान पर भारत की जीडीपी खिसक गई है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की हालत क्या है इस पर मीडिया में कोई डिबेट नहीं होती, कोई बहसबाजी नहीं होती। 5 महीने का समय लॉकडाउन का बीता, भारत ने कोरोना के इस संक्रमण काल को, महामारी के दौर को देखा, लेकिन इस दौर में बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बेरोजगारी की समस्या, और दूसरी है भारत की जीडीपी की समस्या। इन दो समस्याओं पर सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, मीडिया ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इन सब के बीच में भारत को जो है कि इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए कि लोगों को कैसे रोजगार मिले और भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे।